Hey guys, my name is Virendra Singh. Welcome to the Smart Learning Academy. Smart Learning Academy आपके लिए लेके आया है क्रैश कोर्स, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ये सीरीज जो है वो पहले से स्टार्ट हो चुका है और अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि न्यूमेरिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, आपके एनालिटिकल टेक्निक्स, इन सब के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो कि आपके DBT-JRF, GATE एज वेल एज CSIR में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके क्रैश कोर्स को लेके आया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप उन चीजों को लर्न कर सकते हैं और इफेक्टिवली कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लेके आ सकते हैं। अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको रेगुलर जो अपडेट्स हम वीडियोस सुबह 10 बजे अपलोड करते हैं वो आपको मिल सके। और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो प्लीज अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहां पे मैं और मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी आपकी क्वेरीज को हेल्प करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्रैश कोर्स। अमीनो एसिड और प्रोटीन से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके ऊपर मूव करता हूं मैं। स्टार्ट करूं यहां तक ठीक है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यहां क्या दिया हुआ है, दैट इज PKA एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट PKA 2.2 9.2 दिया हुआ है, ठीक है। सी टर्मिनल जो देखिएगा PKA 1 दिया हुआ है, दैट इज द 2.2 एंड 9.2 दिया हुआ है। PKA ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द ग्लूटामिक PKR, ठीक है, ये आपका एक PK1 है, दिस इज व्हाट द PK1, ये क्या है PK2 है। PKR दिया हुआ है क्या, एक दिया हुआ है 4.2, और जब 4.2 देगा तो PI होगा ये, PI क्या करेंगे, दो वैल्यू लेस देन 7 है, दो वैल्यू लेस देन 7 है, तो 4.2 प्लस 2.2 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू कितनी आ रही है जी, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये ग्लूटामेट का है PKR और ये है लाइसीन का PKR, दैट इज व्हाट द 10.2 कितना आ रहा है, ये वैल्यू बता दो। हाँ जी, ये वैल्यू आएगी 3.2 और दूसरी वैल्यू जब आएगी, जब हम देखेंगे तो ये वैल्यू, दो वैल्यू ग्रेटर देन 7 है और इस केस में दो वैल्यू लेस देन 7 है, डिवाइड करेंगे इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, ये वैल्यू आ जाएगी 10 9 19 9.7, इसको माइनस करोगे, माइनस करोगे तो कितना जाएगा 6.5। आंसर देखो मैच कर रहा है, मैच कर गया। चलो आगे चलते हैं, सिंपल सा है, पीआई कैलकुलेट करके डिफरेंस कैलकुलेट करना था लाइसीन के पीआई से और ग्लूटामिक एसिड के पीआई से, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द टोपोलॉजी डायग्राम 400 अमीनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन एक्स इज डिपिक्टेड इन द फिगर, द स्टार्ट एंड एंड अमीनो एसिड आर गिवन, व्हाट शुड बी द रेजिड्यू परसेंटेज, परसेंटेज पूछा अल्फा हेलिक्स का, भैया टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ यहाँ पे देखोगे 400, अल्फा हेलिक्स कितना जरा काउंट कर लो, तो अल्फा हेलिक्स काउंट करोगे तो सीधा आएगा, देखिए 70 से 21, 70 से माइनस 21 करना, प्लस 70 माइनस 21 225, सॉरी ये आ जाएगा 70 माइनस 21, एंड उसके बाद देखेंगे हम क्या, 249 माइनस 225 प्लस 324 माइनस 320, इसको सॉल्व करो जी, अल्फा हेलिक्स तीन जगह पे दिया है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये वैल्यू आएगा जब हम इस पे सॉल्व करेंगे तो 70 माइनस 21 49 आया, 49 प्लस के बाद इस पे करोगे, दैट इज व्हाट 24, और यहां पे जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 4, इसको करेंगे 9 4 13, 77 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 77, कितना आ रहा है आंसर 77 आएगा, ठीक है 77 आएगा। अब परसेंटेज निकाल लो, 77 डिवाइडेड बाय 400, 400 इनटू 100, ये नियरली कितना आ रहा है 77 आ रहा है, समथिंग एल्स आएगा, रुको इसमें देखते हैं, 17 एक और इंक्लूड करोगे प्लस 1, ये 50, ओके चलो देखते क्या होता है जी यहाँ पे, सी जब भी हम कभी माइनस करते हैं तो एक को इंक्लूड भी करते हैं,
याद है जब भी हम इंक्लूड करते हैं कि जब सैटरडे संडे भी एक तरीके से लेक चलते हैं तो वो इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे एक इंक्लूड होगा, एक एक 70 में से 21 को भी इंक्लूड करेंगे। जब इंक्लूड करेंगे तो एक एक प्लस वन होगा, यहाँ पे इसमें भी प्लस वन होगा, इसमें भी एक प्लस वन होगा, इसमें भी एक प्लस वन होगा, ठीक है, सब में इंक्लूड होगा। तो ये आएगा 50 यहाँ पे, ये आया 25 इसमें एक आया 5, इसमें टोटल आएगा 80, तो ये आ जाएगा टोटल 80। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20, एग्जैक्टली 20, ठीक है, वह आंसर मैच हुआ, मैच हो गया। चलो ठीक है, इज इट क्लियर। 19.25 इनकरेक्ट माना जाएगा क्योंकि इन्होंने 20 टू 20 एग्जैक्ट जब आंसर आता है तो रेंज नहीं देते, ठीक है, रेंज मैंने लिखा हुआ आंसर की आप किस हिसाब से चलेंगे यहाँ पे। नाउ एक क्वेश्चन आया हुआ गेट एक्सेल 2017 बायोकेमिस्ट्री का है, इसमें पेप्टाइड डाइजेस्ट करे ट्रिप्सिन से, ट्रिप्सिन किसके शौकीन होते हैं, रणबीर कपूर के, रणबीर कपूर के किस टर्मिनल पे भैया, सी टर्मिनल पे, चॉकलेटी बॉय है ये रणबीर कपूर के, ठीक है। सो अमन क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाकी मैं क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं लास्ट बताऊंगा, अभी मुझे बता लेने दीजिए प्लीज, मेरे पास टाइम बहुत कम है और बताना बहुत ज्यादा है, ये सब बातें बाद में भी क्लास के आउट ऑफ द क्लास भी डिस्कस किया जा सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा क्या नहीं वो क्लास के टाइम पर डिस्कस करना इट्स नॉट नेसेसरी आई थिंक, ठीक है, यू कैन डिस्कस इन आफ्टर द क्लास ऑल्सो। नाउ इसमें देखिएगा कि इसमें आपको देखना है आर्जिनिन और लाइसिन के बारे में, एक रहा लाइसिन यहाँ पे और आर्जिनिन ये रहा, ठीक है, ये आर्जिनिन और प्रोटीन साथ आ रहा है तो यहाँ पे कट नहीं करेगा, आर्जिनिन और प्रोटीन जो है यहाँ पे कट नहीं करेगा, यानी इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, क्या इसको कट करेगा, ये भी नहीं कट करेगा क्योंकि यहाँ पे भी प्रोलीन है। सो दो साइट है, एक साइट ये मिला और एक साइट ये मिला, यहाँ पे प्रोलीन है, यहाँ पे भी प्रोलीन है और यहाँ पे भी प्रोलीन है, तो कट नहीं करने वाला है, दो साइट यानी कि जनरेट कितना होगा, एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ए, 1 2 3 तीन फ्रेगमेंट जनरेट होगा, 3 to 3, क्लियर है जी भाई, बता चुका हूं कट क्यों नहीं करता है प्रोलीन के बारे में, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब पता चलेगा ना कि क्यों नहीं कट करता है, बताया नहीं हूं क्यों नहीं कट करता है, मैंने बायोकेमिस्ट्री में इस चीज को डिस्कस किया है कि नहीं किया है, स्ट्रक्चर हिंड्रेंस सिस और ट्रांस के बारे में, तो पढ़ोगे रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रोलीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो हिंडर करता है सिस और ट्रांस, उसका रेशियो 1/4 आता है, हिंड्रेंस की वजह से वहां पे कोई एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता है, इसको मैं बता चुका हूं जब मैं डिस्कस कर रहा था आपका पेप्टाइड के बारे में, चलो अगर आप पढ़े होंगे या रिवाइज कर रहे होंगे तो समझ में आएगा। नाउ एस्पार्टिक एसिड एंड प्लीज क्यूरोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस को बाद में कर लेना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, आप लोगों से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे पढ़ा लेने दो, जितना डाउट है बाद में पूछ लेना मेरे से, मैं वीडियो कॉल कर लूंगा, जो भी करना है अभी क्लास में डिलीवर कर लेने दो प्लीज, ठीक है। एस्पार्टिक रेसिड्यूज आर फाउंड इन द एक्टिव साइट ऑफ द मेनी एंजाइम्स, एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं कई एंजाइम्स में पाए जाते हैं, द पीके ऑफ द बीटा कार्बोक्सिलेट, बीटा कार्बोक्सिलेट ऑफ द एस्पार्टेट 3.86 ये दिया हुआ है, इस फिजियोलॉजिकल पीएच पे कैसा फंक्शन करेगा, यानी कि फिजियोलॉजिकल पीएच का मतलब होता है पीएच इज 7 जो है ग्रेटर देन 3.86 है, यानी कि जो चार्ज आएगा, चार्ज कैसा आएगा, चार्ज आएगा निगेटिव, चार्ज जब निगेटिव आया तो इट इज वॉट, ये कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि प्लस लवर, न्यूक्लियोफाइल हुआ, न्यूक्लियोफाइल और क्या काम करेगा, कॉन्जुगेट बेस का काम करेगा, कॉन्जुगेट, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, बेस होते हैं जो कि प्रोटॉन लवर होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन लवर है, कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, ये पॉजिटिव एच प्लस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कॉन्जुगेट बेस का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल विथ अ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। नाउ न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में देखते हैं, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके अमीनो एसिड और प्रोटीन से रिलेटेड थे, न्यूक्लिक एसिड से देखने की कोशिश करता हूं मैं, मैंने उतने ईयर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 2015 तक के समेट लिए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 2015 तक के, उसके पीछे आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा पैटर्न में, अगर एक आध दो आता है तो उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ गेट एक्सेल 2017 बायोकेमिस्ट्री, इसमें पूछा गया है ड्यूरेशन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस इन द एस फेज इज 11 आवर, द डीएनए रिप्लिकेशन एट द रेट ऑफ 10 बेस पेयर
पर फॉर्क, पर सेकेंड पर फॉर्क. एंड नाउ अ प्लांट स्पीसीज हैज 3.0 × 10⁻¹⁰ बेस पेयर डीएनए पर जीनोम. नाउ द नंबर ऑफ बायोडायरेक्शनल फॉर्क्स पर जीनोम रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन, कितना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखिएगा, इस क्वेश्चन में करना है कि डीएनए रेप्लिकेशन रेट है, क्या रेट है, 100 बेस पेयर. इसमें डेटा जा रहा है वो दिया हुआ है 100 बेस पेयर पर सेकंड पर फॉर्क. ये दिया हुआ है इन्होंने रेट, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेट, इस रेट से चल रहा है, यानी कि पर सेकंड में इतना जा रहा है. 11 घंटे को जरा सा सेकंड में कन्वर्ट करो, 11 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, 11 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 3600 सेकंड्स, ये होगा. अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3960 जी, ये सेकंड्स आ गया. तो इतने 11 घंटे में कितना करेगा, 11 आवर्स के हिसाब से, 11 आवर्स के हिसाब से 100 × 3960. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.96 × 10⁶ बेस पेयर पर फॉर्क. समझ में आया, पर फॉर्क इतना आ रहा है, तो ये पर फॉर्क है. अब इसी को कैलकुलेट करना है, इस रेशियो को ऊपर लेके जाना होगा, यानी कि इस बेस पेयर से डिवाइड करना होगा. इस बेस पेयर से डिवाइड कर दो, टोटल क्या है, अगर फॉर्क की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ फॉर्क चाहिए, सो दैट वुड बी व्हाट, जीनोम का साइज 10⁻¹० डिवाइडेड बाई 3.96 × 10⁶ पर फॉर्क जो यहाँ पे होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो आपको फॉर्क की वैल्यू पता चल जाएगा, ये बेस पेयर और ये बेस पेयर हो गया. ठीक है जी, चलो अच्छी बात है, इस पे अब डिवाइड कर लेना. डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो नीलू कितनी आ रही है, ये आ जाएगा 3.40 डिवाइडेड बाई 3.96, ये वैल्यू आनी चाहिए. इसको सॉल्व करोगे 7575 आया. Hey guys, so hope कि आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ और क्रैश कोर्स, कुछ और ट्रिक्स, कुछ और कोर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में. तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. सेवन फाइव सेवन